सारा ने कहा, पहली बात कि मैं मोटी थी और दूसरी बात कि मैं नई फिल्म सिम्बा की सफलता का आनंद ले रही अभिनेत्री सारा अली खान का कहना है कि अभिनय हमेशा उनका सपना रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ाकू होने के कारण उनका मन बदलता रहा। क्या कैमरे के सामने आना उनके करियर की पहली पसंद थी? सारा ने रविवार को यहां ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल के एक लीडरशिप लेक्चर सीरीज में कहा, जब मैंने 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की तो मैं चिकित्सा की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन मुझे हल्के झटके की समस्या थी और मुझे महसूस हुआ कि मैं सर्जरी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने कानून की पढ़ाई करने का निर्णय लिया और इतिहास और राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया, लेकिन अंतिम वर्ष में मैंने अपना अभिनय पाठ्यक्रम किया। 25 वर्षीय अभिनेत्री ने बताया कि वे हमेशा से पढ़ाकू रही हैं। खुद के बारे में उन्होंने कहा कि वे आज भी पढ़ना पसंद करती हैं और लगभग हर विषय का अध्ययन कर चुकी हैं। वह कोलंबिया जैसे विश्वविद्यालय और न्यूयॉर्क जैसे एक शहर में इसका आनंद ले चुकी हैं। लेकिन रंगमंच पर काम करने के दौरान उन्होंने जो हड़बड़ी महसूस की, ऐसा उन्हें कभी नहीं हुआ। सारा ने बताया कि उनकी माँ हमेशा उनसे किताबें ले लेती थी। उन्होंने कहा, अभिनय हमेशा से एक सपना रहा है, फिर भी इससे दूर रही। पहली बात कि मैं मोटी थी और दूसरी बात कि मैं बहुत पढ़ाकू थी और इसका मतलब था कि मुझे अभिनय नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ाई करती रहती थी और एक समय था जब मेरी माँ मेरी किताबों को छीन लेती थी और कहती थी कि इतना पढ़ना ठीक नहीं है।